नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। आज होगा वो मुकाबला जिसमें डू और डाई पर खेलेगा भारत, लेकिन नेपाल को क्या चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज होने वाला मुकाबला होगा बहुत ही कांटे की टक्कर का, जहाँ पे नेपाल भी फाइनल में जाने के लिए तरस रहा है तो भारत भी फाइनल में यहाँ पे जाने के लिए दौड़ लगा रहा है। कौन पहुंचेगा फाइनल में, आज निर्णायक मुकाबला होने वाला है भारत और नेपाल के बीच, तो इसका पहले प्रीव्यू लेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दोस्तों दोनों टीमों के स्टैंड कितने-कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही टीमें यानी कि भारत और नेपाल ने तीन तीन मैच खेले हैं, जिसमें से भारत ने खेला है भूटान के साथ जो कि जीत चुका था, भारत और श्रीलंका के साथ जो मैच भी जीत चुका था, लेकिन भारत को एक हार मिली बांग्लादेश के साथ 1-0 से और उसका यहां पे खामियाजा ऐसा भुगता कि भारत के पास अब सिर्फ पॉइंट्स टेबल में 6 ही पॉइंट हैं। वहीं पे अगर बात की जाए दोस्तों नेपाल की, तो नेपाल का पहला मुकाबला था बांग्लादेश के साथ जो कि ड्रॉ हुआ था और ड्रॉ होने के कारण नेपाल को एक पॉइंट मिल गया था और एक पॉइंट मिल गया था बांग्लादेश को। उसी यहां पे नतीजे को आगे बढ़ाते हुए देखें तो नेपाल का दूसरा मैच हुआ था यहां पे श्रीलंका के साथ और श्रीलंका के साथ 6-0 से जीत कर 2 अंक और प्राप्त कर लिए और इस प्रकार से जो नेपाल है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गया था। अब यहां पे भूटान के साथ मैच खेला तब भी 3-0 से यहां पे जीत के अपने जो पॉइंट्स टेबल लिस्ट में से 7 पॉइंट हासिल कर लिए थे, जिसके कारण नेपाल है वो दूसरे स्थान पर स्टैंड कर रहा था और यही सबसे बड़ी यहां पे मजबूती दिखाई दे रही है नेपाल के लिए, क्योंकि पहले नंबर पर बांग्लादेश है और दूसरे नंबर पर नेपाल है, यानी कि रनर अप है। अब आज का मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक इसलिए भी होने वाला है क्योंकि नेपाल के पास 2 मौके हैं यहां पे और वहीं पे जो भारत है उसके पास सिर्फ फाइनल में जाने का 1 ही चांस है। वो कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 में ढाका के BSSS मुस्तफा कलम स्टेडियम में ये भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे के सामना करेंगी और नेपाल ने 3 मैचों में से यहाँ पे 7 अंक प्राप्त किए हैं जबकि भारत ने 3 मैचों में 6 अंक प्राप्त किए हैं। साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2020 के फाइनल में पहुंचने के लिए नेपाल या तो जीते और या सिर्फ ड्रॉ करवा दे। भारत के साथ अगर ड्रॉ भी करवाता है तो 1 पॉइंट बढ़ेगा, जिसके कारण नेपाल के पॉइंट 8 हो जाएंगे और भारत के पॉइंट 7 ही रह जाएंगे, जिसके कारण नेपाल फाइनल में पहुंच जाएगा। अगर नेपाल जीत जाता है तो भी यहां पे नेपाल फाइनल में पहुंच जाएगा क्योंकि उसके पास पॉइंट्स टेबल में अंक है वो 9 हो जाएंगे और पहले स्टैंड पर आ जाएगा जबकि बांग्लादेश को भी यहां पे पछाड़कर। ये सबसे बड़ी बात है। वहीं पे अगर भारत ड्रॉ कराता है तो बाहर रहेगा और अगर हारता है तो भी बाहर रहेगा, यानी कि उसके पास एक ही मात्र चांस है कि वो जीते नेपाल के अगेंस्ट, तभी वो फाइनल में जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज ये मैच होने वाला है 3 बजे से शुरू और नेपाल का अगर टाइम बात करें तो 2:45 पर ये मैच शुरू हो जाएगा और भारत के लिए फाइनल खेलने के लिए मैच बहुत ज्यादा जीतना जरूरी है। वहीं पे नेपाल को फाइनल खेलने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहां पे ड्रॉ कराना जरूरी है। ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट कह सकते हैं हम नेपाल के लिए और नेपाल पहले संस्करण का उपविजेता रहा है जहां वह फाइनल में पहुंचकर फाइनल को जीतने की हर कोशिश करना चाहेगा। चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।